हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए दो डेरिवेटिव्स लेकर आए हैं प्रूविंग वाले। तो पहले इस सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन में कहता है, मानसी इफ वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वन, आपको प्रूव करना है। जब हम देखते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह है, अब बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो सबसे पहले सोचना हम शुरू करते हैं, फोरकास्टिंग करना शुरू करते हैं, दो तीन स्टेप। तो हम देखते हैं, यदि x की जगह cos थीटा नहीं सब्स्टिट्यूट किया जा सकता, क्योंकि उधर क्या है बेटा, x माइनस वन है, वो आपका x प्लस वन है। आप कुछ और सोचते हैं कि स्क्वायर किया जाए, तो स्क्वायर करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि मैं इसको इधर ले आऊँगा तो दो स्क्वायर रूट आ जाएंगे, दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो भी काम नहीं होता। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि इसको डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से फ़ायदा ये होगा, ये भी आपका नीचे आ जाएगा, ये भी आपका नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे कुछ वाई की तरह का आ जाएगा, तो शायद हम आगे प्रोसीड कर पाएँ। तो बेटर ये है कि इसको हम डायरेक्टली ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अब इसको बच्चों, एक्स इक्वल टू कोस थीटा भी रूल आउट हो गया, स्केयरिंग भी रूल आउट हो गया, और इसके अलावा यदि हम इसको आगे पीछे ट्रांसफ़र कर लें, ट्रांसपोज कर लें, वो भी हमारा रूल आउट हो गया। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि इसको क्या किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों आपको मालूम है कि इसकी पावर हाफ है, जब हाफ नीचे आता है तो ये हो जाता है बच्चों हाफ माइनस वन, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। अब नेक्स्ट लेते हैं हाफ एक्स माइनस वन, हाफ माइनस वन इंटू वन, और यहाँ पर माइनस एक्स नहीं है, कहीं आप देख के घबराएं। तो हाफ में से वन जाता तो क्या होता है, माइनस हाफ, तो वो आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, और ये आपका हो गया वन बाई टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। इज इट क्लियर और नॉट? अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि इसके अंदर ये जो आपका है टू, तो आपका एल सी एम हो गया, और बाकी जो है आपका रूट एक्स माइनस वन ऊपर चला गया, और ये रूट एक्स प्लस वन इधर चला गया, और नीचे आपका आ गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? वेरी मच क्लियर ऐश्वर्या, वेरी मच क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इधर आ जाता हूँ। अब बच्चों हम देखते इधर हैं कि यदि ऊपर वाले न्यूमरेटर में से यदि मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये जो भी प्रूविंग वाली डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की बनती हैं सेकेंड ऑर्डर, तो इसके अंदर बेटर ये रहता है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो बेटर ये रहता है कि यदि वो वाई की टर्म्स में आया तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन, और नीचे जो है आपका टू ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर थे, तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका डी वाई डी एक्स था। और इधर मैं रिजल्ट में देख रहा हूँ ये वन माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारे पास है, तो बेटर ये है कि इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारा क्या हो गया, माइनस वाई बाई टू, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, माइनस वाई थी। अब बच्चों ये स्क्वायर रूट है और इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं आप लोगों को पिछले काफ़ी टाइप्स में बताया हुआ है कि जब हम स्क्वायर कर देते हैं किसी भी फर्स्ट डेरीवेटिव को, और उसके बाद जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू डी वाई बाई डी एक्स का फैक्टर जरूर मिलता है। तो अब हम स्केयर कर देते हैं, क्योंकि इधर रिजल्ट में वन माइनस एक्स स्क्र के साथ सेकंड डेरिवेटिव है, तो अब हमने स्केयर कर दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्र माइनस वन, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र, और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और प्रोडक्ट रूल के अंदर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ स्केयर कर दिया, तो ये स्केयर कर दिया, और उसके बाद ये स्केयर होकर वाई स्क्र बाई फोर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर हमारे वो फंक्शन आ गए, स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर रूट उड़ गया था और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया था। अब ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया टू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है टू स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो वो होता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू टू एक्स, और वाई स्क्वायर की जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगी टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फोर जो है वो आपका नीचे। तो जो बात मैंने आपको कही थी कि 2 डी वी बाई डी एक्स फैक्टर जरूर मिलता है हर टर्म में, देखो 2 भी हर जगह है, डी वाई बाई डी एक्स भी हर जगह है,
2 dy by dx से बच्चों मैं डिवाइड कर देता हूं और इस क्वेश्चन को इधर ले आता हूं, तो x square minus 1 और इधर आपका आ गया सेकंड डेरिवेटिव d square by dx square और अगला आ गया हमारा plus x into dy by dx और उधर से हमारा आ गया y by 2, ये हमारा y by 4 आ रहा है तो 2 dy by dx चला गया तो ये y by 4 आ जाएगा और इसको इधर ले आता हूं तो x square minus 1 into d square y by dx square plus x dy by dx minus y by 4 equal to 0. और यदि आपने ये क्वेश्चन एक बार किया होगा तो वहां पर अटेम्प्ट करने की सोच सकते हैं, ये भी CHER में आया हुआ है तो बोर्ड में आया हुआ है तो कोई क्वेश्चन आप कह नहीं सकते कि आउट ऑफ सिलेबस या सिलेबस से बाहर है, तो इस तरह के सलूशन आपको आने चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। देखो वही आया है x square minus 1 into d square y by dx square plus x into dy by dx minus, ये x square minus 1 ही है, ये x square minus 1 है बच्चों, क्या बच्चों x square minus 1 एडिट, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों कैसे करेंगे, प्रियंका आप बताओ बेटा इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन है y equal to sin inverse 2x minus 4 into under root 1 minus 4x square upon 5, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर बाहर sin inverse है तो अंदर हमने क्या लाना है sin theta लाना है ताकि sin sin आपके sin inverse go sin x हो के कैंसिल हो जाए काम हो जाए, लेकिन पिछले क्वेश्चन जो भी आपको आते थे तो उसके अंदर आप इन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेते थे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, कैसे पॉसिबल है। अब बच्चों ये 1 minus 4x square है तो सबसे पहले तो इसको एनालाइज करो, इसको 1 minus 2x का होल स्क्वायर कर सकते हो या नहीं, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। और अब क्या करें, ये आपका 6x है, ठीक है, तो इसको यदि हम ब्रेक करते हैं 6x by 5 minus 4 by 5, ये क्लियर है, ठीक है। और ये आपको नजर आ रहा है कि ये कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये 2x यहां पर आ चुका है तो इस 6 को हम ब्रेक कर लेते हैं 3 into 2x, क्या कर लेते हैं 3 into 2x, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन का एनालिसिस आसान हो गया है क्योंकि हमें ये मालूम है कि अंदर हमारा sin of a minus b आएगा वाला फार्मूला आएगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो 3 upon 5 को बच्चों क्या रख लें sin अल्फा और 2x को क्या रख लें cos बीटा, यहां तक बात समझ आती है, ऐसा क्यों किया समझ आ रही है बात, तो मेन जो यहां पर इशू था 3 into 2x करने वाला था, यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, तो 4 upon 5 आपको मालूम है बच्चों क्या होगा cos अल्फा होगा और अंडर रूट 1 minus 2x square जो है वो आपका क्या होगा sin बीटा, इज इट क्लियर। मानसी आगे बताओ बेटा कैसे करेंगे, sin इनवर्स 3 by 5 क्या हो गया आपका sin अल्फा cos बीटा माइनस कोस अल्फा और ये क्या होगा साइन बीटा, ये 2x का होल स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं आने वाला। और अब आपका ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ गया y इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, इज इट क्लियर नॉट, ठीक है। और अल्फा की जगह क्या रख सकते हो बच्चों आप साइन इनवर्स 3 बाई 5 और बीटा की जगह क्या रखोगे साइन इनवर्स 2x, इज इट क्लियर, क्लियर नहीं, यहां पर आप कोस इनवर्स 2x रखोगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो गया dy by dx, इसका डेरिवेटिव क्या होता है साइन इनवर्स 3 by 5 का 0 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा एक माइनस अपने आप से देगा प्लस और ये अंडर रूट 1 minus 4x square और 2x का डेरिवेटिव 2, तो आंसर जो है वो हमारा क्या गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, थैंक यू वेरी मच।